क्या आपको पता है रिलायंस ग्रुप इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू 198.42 बिलियन डॉलर्स है। बट मोर अबाउट दिस इन फ्यू मिनट। हेलो गाइज, माई नेम इज नमन, वेलकम यू ऑल इन ए स्पेशल वीडियो बाई माई स्टेवा। सो अगर आपको किसी भी कंपनी का पोजिशन का पता करना है तो उसका मार्केट कैपिटल की रोल प्ले करता है डिसाइड करने में, आइदर इट इज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव टॉप 10 इंडियन बिलियन डॉलर कंपनीज रिव्यू एंड देयर मार्केट कैपिटल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10, दैट इज ITC। फ्रेंड्स, ITC एक इंडियन MNC कंपनी है जो 90 से ज्यादा देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है। इफ वी गो फॉर द प्रोडक्ट्स, देन दे आर कंज्यूमर गुड्स, एजुकेशनल स्टेशनरी एंड एजुकेशन आल्सो, होटल्स, रेस्टोरेंट। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50.92 बिलियन डॉलर्स है। ये कंपनी 1970s के पहले ब्रिटिश ओन्ड हुआ करती थी, मगर उसके बाद ये इंडिया के लिए काम करती है। 1970s में जब इंडिया ने इसे एक्वायर किया, तब इसके चेयरमैन अदित नारायण आस्कर थे। नंबर 9, बजाज फाइनेंस। आपने बजाज फाइनेंस का नाम तो सुना ही होगा, जो कि नो कॉस्ट EMI पर आपको प्रोडक्ट परचेज करने की परमिट देती है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर ये अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बजाज फाइनेंस के फाउंडर राहुल बजाज है। इसकी मार्केट वैल्यू 53.65 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 8, एयरटेल। फुल नेम भारती एयरटेल। ये तो मुझे पता है कि आपके घर में एक ना एक एयरटेल का सिम तो होगा ही। एयरटेल पिछले 10 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम पर है। एयरटेल को वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी का खिताब मिला है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 55.41 बिलियन डॉलर्स है और ये 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। नंबर 7, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक इंडिया की सबसे ट्रस्टेड बैंक में से एक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में 214th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और 43 लार्जेस्ट बैंक के लिस्ट में भी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह एक प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बैंक है जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू 58.60 बिलियन डॉलर्स। नंबर 6, इंफोसिस। ये एक IT कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है। इसे 7 इंजीनियर से मिलकर बनाया सिर्फ $250, जिस $250 कीमत आज 20,430 रुपए है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 71.67 बिलियन डॉलर्स और ये वर्ल्ड 117th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। नंबर 5, ICICI बैंक। इस बैंक में अकाउंट ओपन करना मतलब कि आप लोन ले सकते हैं लार्ज अमाउंट में विथ स्मॉल कमीशन। ये कंपनी 164 रैंक पर है ऑल ओवर वर्ल्ड विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन 72.95 बिलियन डॉलर। इसका मेन मोटो इंडियन कंपनीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करना है। नंबर 4, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर PLC की। ये कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन 77.58 बिलियन डॉलर्स एंड इट इज ऑल्सो हैज 145 रैंक इन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 3, HDFC बैंक। अगर आप इंडिया के मिडिल क्लास या अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब आपके घर में किसी न किसी का HDFC बैंक में अकाउंट तो होगा ही। HDFC का फुल नेम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। यह वर्ल्ड की 118th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन 96.14 बिलियन डॉलर। ये कंपनी 2021 में 10th लार्जेस्ट बैंक रही है। नंबर 2, TCS। फुल नेम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी पैरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। इस कंपनी की रैंक 74th है ऑल ओवर द वर्ल्ड विद मार्केट कैपिटलाइजेशन 134.7 बिलियन डॉलर। एंड फाइनली नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, रिलायंस कंपनी इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन विद ओवर 198.42 बिलियन डॉलर। इसकी रैंक 39th है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, मास मीडिया एंड टेक्सटाइल के सेक्टरों में काम करती है। लेकिन रिलायंस आज सबसे ज्यादा जियो सिम प्रोवाइडर के नाम से जानी जाती है। इसे 1993 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से शुरू किया, मगर 1965 में इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। फिर धीरूभाई अंबानी ने कंपनी को टेक ओवर किया। वेल, ये थी इंडिया की बिलियन डॉलर वाली कंपनीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। लव यू गाइस। यू सून।